नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्रत के लिए कुट्टू की खिचड़ी बनाना सिखाएंगे। इस खिचड़ी को आप मेरे तरीके से बनाइए, मेरा तरीका बहुत आसान है और आपकी खिचड़ी भी कुछ ही मिनटों में बन जाएगी। कुट्टू का खिचड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम कुट्टू। कुट्टू को अच्छे से धुलकर 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया है। एक आलू, टमाटर, एक टुकड़ा गाजर, सबको बारीक काट लिया है। मूंगफली, सेंधा नमक, जीरा, हरी मिर्च, अदरक और धनिया की पत्ती को भी काट कर ले लिया है। देसी घी। तो चलिए कुट्टू का खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच। अब घी गर्म हो गया है, डाल देंगे आलू। आप घी की जगह कोई भी तेल डाल सकते हैं जो आप व्रत में खाते हो। और आलू को थोड़ा भून लिया है। अब हम डाल देंगे मूंगफली और मूंगफली को भी भूनेंगे। आलू और मूंगफली भून गया है। अब हम डाल देंगे जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक। अब इन सबको भी भून लेंगे। जीरा हम पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो आलू और मूंगफली भूनते भूनते जीरा जल जाएगा। अब हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ गाजर, टमाटर। गाजर और टमाटर को भी भूनेंगे। गाजर और टमाटर को भूनने के बाद अब डाल देंगे कुट्टू और कुट्टू को भी भून लेंगे। हम यहाँ कुट्टू को भिगाकर खिचड़ी बना रहे हैं। आप चाहें तो बिना भिगोए बना सकते हैं। कुट्टू को भूनने के बाद अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक और नमक को सारी सामग्री के साथ मिला लेंगे। सारी सामग्री को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। जितना कुट्टू है उसका 3 गुना पानी डालेंगे और सारी सामग्री को अच्छे से चलाकर इसको ढक देंगे। अपने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और खिचड़ी को अच्छे से पकने देंगे। खिचड़ी को पकते हुए लगभग 15 मिनट हो गया है। अब हम खिचड़ी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं खिचड़ी बनकर तैयार है। अगर आप गीला खाना चाहते हैं तो बस ऐसे ही रहने दीजिए और गैस ऑफ कर दीजिए, और अगर सूखा चाहते हैं तो पानी को सुखा लीजिए, सुखा कर खाइए। अब हम डाल देंगे धनिया की पत्ती और इस खिचड़ी को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। कुट्टू खिचड़ी को गर्मा गर्म सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से कुट्टू की खिचड़ी बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस नवरात्र व्रत में इस खिचड़ी को आप जरूर ट्राई करिए, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।